वेलकम बैक। हे आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि टेंस आपको समस्या पैदा करता है। तो हमने टेंस में बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर टेंस समझ में नहीं आता, तो मैं आपको पहले उस गूढ़ रहस्य को समझा रहा हूं कि आखिर टेंस में कमी कहां है। तो हमने यहां पे मुद्दा लिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। एक्चुअली देखो, बेसिक चीज तुम्हें पता है कि भाई आई हैव गॉन देयर, ही हैज कम हियर, इतना तो आपको आता है। आई वेंट देयर, ही केम हियर, आपको आता है। क्योंकि बेसिक ज्ञान आपको, मैं आपको सिखाने का प्रयास क्या कर रहा हूं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में वो जड़ से अंतर क्या है। मैं आप एग्जांपल दिया, मैंने पिछले साल परीक्षा पास की है, मैं यहां 2 मिनट पहले आया हूं। तो हम लोग पहले से बचपन से पढ़े हुए हैं कि जिसके अंत में चुका हूं, चुकी है, या हूं, ये है, लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यही ना पढ़ा है? गलत पढ़ा है। आज से संभल जाओ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हिंदी नहीं। यहां पर हिंदी लिखा पास की है, आया हूं, तो हमने हैव लगा दिया, हमने यहां भी हैव लगा दिया, अब यहां पे पास्ट कर दिया लास्ट ईयर। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ना, उस कॉन्सेप्ट काम करना होगा। ये दोनों एग्जांपल मेरे गलत हैं, ये दोनों सही नहीं। हमने समय बचाने के लिए एग्जांपल पहले लिख दिया है कि ताकि आप समझो, मैंने पिछले साल परीक्षा पास की है, यहां देखो पिछले साल, यहां देखो 2 मिनट पहले। तो हम लोगों को वो क्लू वर्ड चाहिए कि कैसे पता, किसी वर्ड में अगर टाइम लैप्सेस का प्रयोग कर दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होकर के सिंपल पास्ट होता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। पहले इस सेंटेंस को सही करते हैं, उसके बाद मैं आपको टेंस की तरफ ले चलता हूं, उस रहस्य की तरफ कि आखिर अंतर क्या होगा। तो यहां से है बता दो, तो आई पास्ट द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, अब एग्जाम्पल राइट हो गया। इसको सही करते हैं, आई केम को कम कर दो, कम को केम कर दो, आई केम हेयर 2 मिनट बिफोर, अब एग्जाम्पल राइट हो गया। अब मैं इसको हिंदी से नहीं अंग्रेजी से आपको सुनाता हूं, क्योंकि आपने पढ़ा जिसको मैं आया हूं, की है, या हूं, चुका हूं, चुकी है, लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट आज के डेट में फ्लॉप हो गया है, इससे आगे निकलिए, हिंदी के पहचान से आगे निकलिए और देखिए कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट में अंतर क्या है। मैं इसको मिटा दूं, लिख लिया आप सबों ने, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे काम करता हूं। यहां पर मैं जानने के लिए बस अंतर देखना है कि दोनों में अंतर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट में क्या अंतर है। बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान, हर बच्चा समझेगा आज। ये मान लो हमने बनाया एक ओवर ब्रिज, समझे बच्चे, एक पुल बना रहा हूं, एक पुल बनाया, ए से पुल बनना शुरू हुआ, बी पे समाप्त हो गया, ए से काम स्टार्ट, बी से, ये सारे लेबर काम कर रहे हैं, राइट, शाम हो गया, सब सो गए, सब सो गए, अब यहां से काम, अगले दिन फिर सब काम करने आएंगे, समझना गौर से। यानी कि यहां पे दो काम, दो घटना घट रही है, दो घटना घट रही है, एक कि सारे लेबर काम कर रहे हैं वर्किंग, अब ये सारे लेबर क्या हो गए, सो गए, सो गए, सारे लेबर सो गए, अगले दिन काम करने वही लेबर आएगा जिसको काम की आवश्यकता होगी, जिसको काम की जरूरत नहीं होगा वो नहीं आएगा। जैसे एक जिस पर प्रभाव पड़ेगा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि तुम पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी इंपैक्ट सस्टेन्स ऑन प्रेजेंट, यानी इंपैक्ट वर्तमान में पड़ेगा और एक में इंपैक्ट समाप्त हो जाएगा, इंपैक्ट विड्रॉज ऑन प्रेजेंट, एक में इंपैक्ट विड्रॉज हो जाएगा। तो इंपैक्ट विड्रॉ का मतलब क्या होता है, तो इंपैक्ट विड्रॉ का मतलब होता है कि इंपैक्ट खींच लेना, प्रभाव को खींच लेना, यानी प्रभाव समाप्त हो जाना। तो इंपैक्ट विड्रॉ का मतलब होता है कि टाइम का यूज करना पड़ेगा, यानी टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर यूज्ड, टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर यूज्ड, बीते हुए समय का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग टाइम लैप्सेस क्या प्रयोग करेंगे, टाइम लैप्सेस का मतलब हुआ बिफोर, टाइम लैप्सेस का मतलब हुआ अगो, टाइम लैप्सेस का मतलब हुआ स्टडे, टाइम लैप्सेस का मतलब हुआ लास्ट। अब लास्ट के साथ टाइम लगा दो, जैसे मैंने कहा बिफोर 2 मिनट्स, वहां पे कहा लास्ट ईयर। अब देखो तो जिसमें इंपैक्ट विड्रॉज होता है, जिसमें टाइम लैप्सेस का प्रयोग होता है, उसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं, सिंपल
पास्ट टेंस और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ 2 मिनट पहले आया हूँ, इसमें टाइम लैप्सेस का प्रयोग किया जा रहा है, बीते हुए टाइम का प्रयोग किया जा रहा है, तो जिसमें इम्पैक्ट विड्रॉज हो, इम्पैक्ट समाप्त हो गया, उसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं। इम्पैक्ट सस्टेन कर रहा हो, प्रभाव पड़ रहा हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। इसमें टाइम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, यानी बीते हुए समय का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इन सारे शब्दों का प्रयोग यहां पे नहीं किया जाएगा, इन सारे शब्दों का प्रयोग यहां पे नहीं किया जाएगा। तो ये शब्द यहां पे प्रयोग नहीं किया जाएगा किसमें, तो इसे कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, हैज है V3 प्लस अदर वर्ड। यानी आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है। तो एक में सिंपल पास्ट होगा तो इंपैक्ट प्रभाव, इंपैक्ट मतलब प्रभाव, विड्रॉ समाप्त हो जाएगा कहां से, प्रेजेंट से। दूसरा कहा टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर यूज्ड, बीते हुए समय का प्रयोग किया जाएगा कहां भाई, सिंपल पास्ट में। बिफोर अगो स्टार्ट लास्ट का प्रयोग किया जाएगा सिंपल पास्ट में। मैं यहां 2 मिनट पहले आया हूं, हमने बोला आया हूं, तो आया हूं बोला फिर भी बनेगा वो सिंपल पास्ट में, क्योंकि हमने 2 मिनट का प्रयोग किया। तो मैं यहां 2 मिनट पहले आया हूं, आई केम हियर बिफोर 2 मिनट्स, आई केम हियर 2 मिनट्स बिफोर। तो 2 मिनट्स बिफोर मैंने पिछले साल परीक्षा पास की है, अपने मित्रों से डिस्कस करो, इस चीज को पूरे फैलाओ, 1000 लोगों से पूछो आपसे कि मैं पिछले साल ग्रेजुएशन किया हूं, अंग्रेजी क्या होगा। हर कोई 99% लोग यही बोलेगा, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। तुम भी यही बोलते हो ना, आज से सुधर जाओ, तुम्हें बोलना है आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट का प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है। मैं आपको बोलना है मैं ग्रेजुएशन किया हूं, आई हैव ग्रेजुएटेड, बस आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, बस आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, बस इतना ही बोलना है। ये नहीं कि लास्ट ईयर, ये नहीं कि पिछले दिन, मैंने अपना ग्रेजुएशन पिछले साल किया है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, ऐसा बोलना गलत होगा, गलत होगा। समझ में आया बात? तो इस बात को आप समझिए कि बिफोर का प्रयोग, बिफोर जहां भी आ जाए सिंपल पास्ट, अगो जहां आ जाए सिंपल पास्ट, स्टडे जहां आ जाए सिंपल पास्ट, लास्ट जहां आ जाए सिंपल पास्ट, इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करते। यानी हैज और हैव वहीं लगाते हैं, कहां लगाते हैं, हैज और हैव वहीं लगाते हैं जहां पे टाइम का प्रयोग नहीं किया जाता हो। यहां पे टाइम का प्रयोग नहीं किया, टाइम लैप्स वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, अगो का प्रयोग नहीं करेंगे, मैं कल आया हूं, I came yesterday, ना कि I have come yesterday, गलत बात। तो आपको अंग्रेजी में हमने टेंस में एक झलक दी है और वो झलक आपको सीखना है, और झलक के साथ आपको दिखना है कि दोनों में अंतर क्या है। बेसिक आप बुक से पढ़ते हो, DSL के सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। बेसिक बुक के लिए हमने यहाँ पे बुक दिया हुआ है टेंस का, बहुत ही बेसिक किताब है, आप इस बुक को चाहो तो मंगा सकते हैं, बेसिक इंग्लिश बुक, जिसमें सारे इस तरह के टेंस समझाए गए हैं, सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, जिसके तहत आपको DSL की बुक्स मैं सारे महीने से पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ आप अगर चाहते हो कि दिल्ली आगे पढ़ना है तो दिल्ली अब दूर नहीं है, आराम से आ सकते हो और क्लास ले सकते हो। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपको देता रहूंगा। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आपका भविष्य सुनहरा हो, तो वीडियो को सारे बच्चों को दीजिए, और जिनको जरूरत है जो अंग्रेजी में ये बोलते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, उनको आप जरूर दीजिए ताकि वो सीख सकें कि आई हैव कंप्लीटेड ना बोल करके आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, ऐसा बोले ताकि उनका विश अच्छा हो जाए, गलती उनसे ना हो। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।